दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा टेस्टर होता है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ पे होता है वो कितने ओम्स का होता है, और इसके अंदर जो चीज़ें लगी होती हैं वो कैसे अरेंजमेंट होता है इन सब चीज़ों का। तो इसको हम खोल के देखेंगे, पहले चेक कर लेते हैं ये सही है या फिर नहीं। देख सकते हैं आप, ये सही है। तो हमारा जो टेस्टर है वो सही है। अब हम इसको खोलते हैं। तो देख सकते हैं कि आप इसको होल्ड करने के लिए लगाते हैं इसको, और ये एक स्प्रिंग लगाते हैं ताकि इसका जो पाथ है वो कंप्लीट बन सके। और इसके अंदर देख सकते हैं आप बल्ब, अंदर देख सकते हैं आप एक बल्ब रखा हुआ है। इसको हम निकालते हैं। तो ये जो इसका ये इंसुलेटर लगा हुआ है और ये इसका कनेक्टिंग पाथ यहाँ तक आया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक बल्ब लगा हुआ है। तो इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको मैं तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको मैं अपने मल्टीमीटर से निकालता हूँ। तो इसका जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1000 किलो ओम्स के आसपास का है। तो इसकी जो रेंज को मैंने सेट कर रखा है वो है 2000 किलो ओम पे, और जो मेरा इसका रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 1000 किलो ओम्स। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1000 किलो ओम का है। 1000 से लेकर 1500 किलो ओम के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी करता है। सो आप आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।